बहुत बहुत स्वागत है आपका इक्वालिटी न्यूज में। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 में मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे साथ हैं डीएस रावत, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन हैं एंड प्रोफेसर भी हैं केमिस्ट्री के। और ये जो ओबीई का मुद्दा गरमाया हुआ है, ओबीई का मुद्दा ये ना खुशी का मुद्दा है ना गम का मुद्दा है। अब बीच समंदर से इस फंसी नाव को कैसे निकालना है, ये तो आज हम जानेंगे। डीन प्रोफेसर केमिस्ट्री के प्रोफेसर डीएस रावत, बोले तो दीवान सिंह रावत जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। बिल्कुल सर, ये जो ओबीई का मुद्दा बच्ची इसके लिए जो मांग कर रहे हैं, आपकी नज़रों में कितनी उचित है? एक्चुअली मैं जब फरवरी में यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया था कि हम ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, आई थिंक वो स्टूडेंट की डिमांड पर ही शुरू किया था। जब स्टूडेंट शायद एजिटेट किए थे उस समय, तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि हम ऑफलाइन एग्जाम्स करेंगे। एग्जामिनेशन ब्रांच इज़ वेरी कंसर्न विद दी स्टूडेंट्स फ्यूचर, सो उस समय जो डिसाइड हुआ था कि सभी सेमेस्टर की क्लासेस ऑन थी, ऑन होंगी और फिजिकल मोड में, एंड आई थिंक इट वॉज डिसाइडेड ऑन फ्राइडे और समथिंग लाइक दैट। एंड नेक्स्ट 3 डेज में मैंने एग्जामिनेशन ब्रांच में हमारी जो एक वर्किंग ग्रुप होता है एग्जामिनेशन का, उसकी मीटिंग किया, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो बच्चा था उसका एग्जामिनेशन शेड्यूल था मार्च में, एंड दे हैड अबाउट कंप्लीट ऑनलाइन टीचिंग बाय देन, एंड मेरे ख्याल में 2 या 3 हफ्ते की टीचिंग बची हुई थी। तो उनके मुद्दे को हमने एग्जामिनेशन का, जो हमारा एक वर्किंग ग्रुप है, डीन एग्जामिनेशन कैन नॉट डिसाइड इट्स ओन, एक्चुअली वी हैव द कमेटी, एवरीथिंग गोज देयर, वी डिस्कस, पुट एवरीथिंग देयर, बेस्ड ऑन दैट डिसीजन इज मेड, एंड फिर वाइस चांसलर साहब की अप्रूवल होती है उसमें। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो चूँकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उनका एग्ज़ाम होगा अभी, क्योंकि वो मार्च में ड्यू था और फरवरी 3rd वीक में खुलने का हुआ था। हमारी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा, हमने 3 दिन के अंदर वो कमेटी की मीटिंग करा करके हमने नोटिफाई किया कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, चूँकि उनका पूरा क्लासेस ऑनलाइन हुई, जब जस्ट 2 या 3 हफ्ते की क्लासेस बची हुई थी, तो हमने उस समय वर्किंग ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि उनकी जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे। उसी के साथ साथ चूँकि जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे उनकी क्लासेस उसी समय शुरू हुई थी, लार्ज पार्ट ऑफ क्लासेस वर देयर, एंड इट वॉज डिस्कस एट डेप्थ एट दैट टाइम, एक्चुअली काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया था। तो कमेटी इस ओपिनियन में थी कि जो समर में जो फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे उनका आप ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स करेंगे, एंड ये फरवरी में नोटिफाई किया गया था। ऐसा नहीं कि हमने उसको अभी नोटिफाई किया, फरवरी में ही नोटिफाई किया था विद द ड्यू अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर। बिल्कुल सर, ये बात बहुत तर्कशील लगती है कि हमेशा ऑनलाइन व्यवस्था तो नहीं चल सकती, पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 80% सिलेबस जो है वो ऑनलाइन मोड में हुआ, फिर वो लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन देने के लिए। इस पर आप क्या सोचते हैं और क्या जवाब देंगे? जब अगर हम कह रहे हैं कि फरवरी में हमारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, फरवरी से लेकर के 27 या 28 मार्च तक, अभी हमारी अप्रैल तक क्लासेस चलेंगी, सो ये कहना कि 80% क्लासेस ऑनलाइन हुई है, आई थिंक वो सही नहीं होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यूरेशन, पूरा ड्यूरेशन। मैं भी एमएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, एंड मैं प्रीवियस को पढ़ाता हूँ, लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी हमारे यहाँ तो कम से कम रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, एंड ये जो डिसीजन लिया गया था उसके बाद ये हो गया था सभी क्लासेस ऑफलाइन चलेंगी, हाइब्रिड मोड उस समय नहीं कहा था यूनिवर्सिटी ने। सो जो प्रिंसिपल से भी बात हुई उन्होंने भी ये कहा कि क्लासेस हुई हैं उनकी, तो उसमें तो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, कोई बच्चा अगर अटेंड नहीं किया तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। एक सवाल और सर, कि स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि जो बच्चे कोविड के दौरान होम टाउन चले गए थे वो बच्चे अभी दिल्ली पहुंचे तक नहीं है, किस तरह से फिर स्टूडेंट्स कह रहे हैं या तो ऑनलाइन मोड या फिर हाइब्रिड मोड? हाइब्रिड मोड कुछ नहीं होता एक्चुअली, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस, वेरी ऑनेस्ट, आई मीन वी शुड नॉट आस्क समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन। हाइब्रिड मोड तो शायद मेरे ख्याल में हमने फर्स्ट ओबी से शुरू किया हुआ है, नोटिफाइड है, मेरे पास सब रिकॉर्ड है, कितने बच्चे आते हैं लिखने के लिए, कोई नहीं आता। नंबर एक। नंबर दो, अगर हम टोटल उसको देखें, आज सभी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को, तो उसमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको अपना कैरियर भी तो बनाना है, ये हमको खुद ही सोचना है। बिल्कुल
ये हमको खुद ही सोचना है, हमको अपने असेसमेंट खुद ही करना है कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। हमको क्वालिटी के बारे में बात करनी है। ओके, मैं इस ओबी से कोई मतलब नहीं, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। आई ऑलवेज टेल देम डोंट रन अबाउट फॉर दिस मार्क्स द परसेंटेज कि मेरा इतना सी जी पी ए है, डोंट डू दैट बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू पे यू ऑफ। व्हाट पेज ऑफ योर नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज कब होगा, जब आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करेंगे तब होगा, उससे पहले ये नहीं हो सकता। सो मेरे अपील स्टूडेंट्स ये हूँ कि देखिए, हमने आपके लिए पिछले डेढ़ साल में कोई बच्चा ये नहीं कर सकता कि एग्जामिनेशन ब्रांच की वजह से वो किसी भी तरीके से सफर रहे। एज एन एग्जामिनेशन डीन आई स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कॉन्टेक्टिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट डायरेक्टली। मैं 1.5 लाख बच्चों को ईमेल करता हूँ, एग्जाम जैसे ही शुरू होता है क्या क्या नियम है उसके, उन बच्चों को ईमेल करता हूँ। मैंने बच्चों को डिजिटल डिग्री दी, मैंने बच्चों को जो है जो प्रिंटिंग डिग्री जो 3 साल तक नहीं मिलती थी वो मैंने उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया। सो आई एक्सपेक्ट सेम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑल्सो। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप कंफर्ट जोन की बात करें, मेरे लिए तो ओबी कराना ज़्यादा आसान है। कंफर्ट जोन की अगर बात करें, मैंने भी ऑफलाइन नहीं करा रखा अभी तक, मैं भी न्यू हूँ उसमें। ऑफलाइन एग्जाम कराने के लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है पहले, बट आई एम डूइंग दैट। वाई, हमारा जो मास्टर्स स्टूडेंट्स है उन्होंने अभी तक कोई भी ऑफलाइन एग्जाम नहीं लिखा है। कल को आप कहीं पर, सो जहाँ तक बात रही तर्क के सी, हर चीज़ का एक अपना जस्टिफिकेशन होता है। आई मे हैव सम जस्टिफिकेशन फॉर वन रीजन एंड यू मे हैव अ टोटली डिफरेंट जस्टिफिकेशन, सो आई कैन नॉट बी जजमेंटल ऑन दैट कि वो सही है कि गलत है। बट जो यूनिवर्सिटी कर रही है, ऐसा नहीं कि वो डीन एग्जामिनेशन नहीं किया, मैंने जैसे पहले बोला एक पूरा सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम डिसाइड करता है एंड वो उस सिस्टम के थ्रू ही हम काम करते हैं। एंड जहाँ तक बात रही रिलीफ देने की, पिछले 3 साल हमने अगस्त 2020 में एग्जाम कराया, सितंबर दूसरा फेज कराया, फिर दिसंबर में कराया, फिर मार्च में कराया, जून में कराया, फिर अक्टूबर में कराया, दिसंबर, फिर मार्च, देन मई एंड जुलाई। सो पीपल नीड टू थिंक अबाउट इट, द क्वांटम ऑफ वर्क व्हिच द एग्जामिनेशन ब्रांच इज डूइंग। मेरा काम एक है, पढ़ना और अपना पेपर लिखना। जो उसके पीछे का प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा हम सोच लें कभी कि वो कितने स्ट्रेन में है। सर, इतनी कोशिश कर रहे हैं बच्चे और इस सब के बावजूद भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हल ना निकल पाना, उनकी बात ना मान पाना, आखिर इसके पीछे ऐसा क्या सॉलिड रीज़न फंस रहा है? सी, अब बात नहीं मानने वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट्स केम टू मी ऑल्सो टू डिस्कस दिस इश्यू एंड प्रॉक्टर मैडम एंड DSW इसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बच्चों से। जब हमारे पास आए थे तो फिजिकल मोड एग्जामिनेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप इतिहास देख लीजिए, कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलता, आपका एक बार एग्जाम होता है ख़त्म हो जाता है। जब बच्चों ने ये कहा मेरे से, जो आपने भी बोला था कि कुछ बच्चे हैं जो नहीं आ पाए या कुछ बच्चे लिख नहीं पा रहे, दो वी आर टू टाइट, मैंने अभी आपका शेड्यूल बताया था, राइट, अभी शेड्यूल बताया, उस शेड्यूल में हमारे पास पहले जो होता था एग्ज़ाम वो साल में 2 बार होता था। ओके, 2 बार हो रहा है एग्ज़ाम, अब कब हो रहा है, दिसंबर में मैंने अभी एग्ज़ाम कराया, मार्च में एग्ज़ाम करा रखा, चल रहा है अभी, देन आपका मई 9 से फिर शुरू होगा एंड जुलाई में फिर हो जाएगा, राइट। जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वांटम ऑफ वर्क, जो लोग पीछे से आपको आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। हम तो ये भी हो सकता था कि हम ये नहीं करा सकते, ये बैच को हम ऐसे जाने ना, वो ठीक नहीं है। तो जब हम ये कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ ये भी है कि बच्चों को भी ये देखना पड़ेगा उनके अपने भविष्य के लिए। ये ठीक है कि आपको एक ना एक बार आना है। जब आपने कहा कि हमको कुछ दिक्कत है, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजिकल एग्जामिनेशन में भी मैंने उनको कहा कि जो बच्चा अगर इसमें नहीं लिख पा रहा है मैं उनको दूसरा चांस दे दूँगा, राइट। देन आई ऑफर देम नोटिफाइड ऑल्सो कि हम आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बढ़ा रहे हैं, जो 3 घंटे अगर आपके लिखने की स्पीड में प्रॉब्लम है। बच्चे कहते हैं ये कि लिखने की स्पीड कम हो गया, ये हो गया, वो भी एग्ज़ाम तो हम लिख रहे हैं ना, तो जब हम कह रहे हैं हमारे वो भी लिखने की स्पीड कम हो गई है, तो क्या हम ये एडमिट कर रहे हैं कि जब हम एग्ज़ाम OB का लिख रहे हैं उसमें हम लिख नहीं रहे थे, क्या हम ये कह रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट, आई मीन एवरीबडी हैज़ अ वे ऑफ इट्स ओन एक्सप्लेनेशन, दिस हाउ आई इंटरप्रेटेड। सो स्टूडेंट केम टू मी कि हम लिखने की दिक्कत है, तो
मैंने यही बोला उनको, भाई ओबी में तो एग्जाम तो लिखे ना, 3 घंटे 4 घंटे का पेपर तो वहाँ भी है, ओके आई विल एक्सटेंड योर टाइम पीरियड। मैंने सभी हेड्स एंड प्रिंसिपल्स की मीटिंग की थी, वहाँ पर भी ये बातें हुई हैं। तो उन्होंने, उनका भी यही मत है कि हाँ ऑफलाइन होना चाहिए। दिस वुड आई ट्राइंग टू टेल कि ये कहना कि ये वाइस चांसलर नहीं मान रहे हैं, डीन एग्जामिनेशन नहीं मान रहे, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ होल सिस्टम, ओके। नोबडी डिसाइड्स एनीथिंग इट्स ओन, आई कैन नॉट डिसाइड। अगर वो तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना, अगर मान लीजिए सभी डिसीजन मैं एज अ डीन एग्जामिनेशन ले लूँ। तो एक कमेटी होती है, उस कमेटी में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें जाती हैं, उसमें सब कुछ डिस्कस होता है, चाहे वो बच्चों का एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं या जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आते हैं, हम सबको टेबल में रखते हैं कि ये है, फिर उसमें 8-10 लोग हैं, फिर जो मेजोरिटी से डिसीजन होता है उसको कम्युनिकेट होता है, उसका फिर अप्रूवल किया जाता है वाइस चांसलर साहब के पास। सो ये ऐसे चलता है। बिल्कुल सर। तो सर क्या लगता है आपको, स्टूडेंट्स अगर इतनी जिद कर रहे हैं तो क्या उनकी प्रिपरेशन नहीं है एग्जाम के लिए? आई डोंट से प्रिपरेशन नहीं, अब से वन वी से प्रिपरेशन नहीं है तो हम ये कह रहे हैं जो ओ बी एग्जाम है उसमें हम गड़बड़ करते हैं, फिर हम ये कह रहे हैं क्या? अच्छा ओपन बुक बच्चा भी नहीं कह सकता इसी को, बच्चा भी नहीं बोल सकता ना, एज डीन मैं बोल सकता हूँ। प्रिपरेशन में मुझे नहीं लगता कुछ प्रिपरेशन तो होनी चाहिए, एग्जाम है। ओनली थिंग इज अगर कहें कि हमारा प्रिपरेशन नहीं है तो इसका मतलब हम ओ बी पर खुद ही क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं फिर, है ना? बिल्कुल सर। अच्छा ओबी की मांग को लेकर के SOL पर भी बात आ जाती है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एक्चुअली उनकी शिकायत बहुत रहती है कि हमें स्टडी मटेरियल नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उनको भी ये शिकायत है कि अब रेगुलर के स्टूडेंट्स के साथ में हमारा भी डेट शीट निकल गया, तो अब हम इतनी तैयारी कैसे कर पाएंगे? देखिए मैं बताता हूँ आपको, लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था मार्च अप्रैल एंड मई वर द हॉरिबल टाइम, एवरीबडी नोज दैट। लास्ट ईयर कितनी डेथ हुई थी, मेरे एग्जामिनेशन ब्रांच में 3 डेथ हुई है उस समय। मेरा एग्जामिनेशन ब्रांच एक दिन के लिए बंद नहीं था, एक दिन के लिए भी। कोई बच्चा ये नहीं कर सकता है कि उसका कोई भी अप्लीकेशन कोई भी चीज़ रुका था यहाँ से, ओके। मैं खुद कोविड में था, घर से काम करता था, ओके। तो हम आपके लिए कर रहे हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, उस समय भी बहुत डिमांड आई थी कि ओबी मत करिए आप, एग्जाम मत करिए, हम लिख सकते कि कोविड में 1 सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड उस समय भी आर्ग्यूमेंट मेरे पास आया था, थिंक अबाउट इट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बाहर जाते हैं, अब उसमें बच्चे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है, वो ये आता है कि ये तो इतना परसेंट बच्चा है यूनिवर्सिटी उनके बारे में सोच रही। नो, मैं एक बच्चे के लिए सोच रहा हूँ, चाहे वो एक बच्चा हो चाहे वो हज़ार, मेरे लिए बराबर है। अगर किसी का फ्यूचर मेरे एग्जामिनेशन ब्रांच के इनकॉम्पिटेंस या एग्जामिनेशन टाइम पर नहीं करने से होता है, इससे बड़ा ब्लॉट हमारे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एट दैट टाइम ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ रेसिस्टेंट, लास्ट जून की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय भी मैंने बच्चों को समझाया कोई बात नहीं, आप नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, अब मैं तो आपको दूसरा चांस दे रहा हूँ, लेकिन जो लिख रहे हैं उनको तो लिखने दो, जो आना चाहते हैं उनको तो करने दो, आप उनको क्यों रोक रहे हैं? हुआ क्या है कि उस समय जितने भी बच्चे बाहर गए थे किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ, एंड जो बच्चे नहीं, और हुआ क्या, जब हमने एग्ज़ाम कराया, यू नो 95% बच्चे फर्स्ट फेज में ही अटेम्प्ट करते, और कितने बच्चों का ये रहा होगा? सो हम मेजोरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, समटाइम यू नो इस चीज़ में वो आता नहीं। बट सर स्टूडेंट्स को तो यही लग रहा है ना कि एक बार, इतने दिन से ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा था, अगर एक बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएगा तो कुछ घट नहीं जाएगा यूनिवर्सिटी का, और हमारा ऑफलाइन हो जाएगा तो कुछ बढ़ नहीं जाएगा। मैंने जैसे पहले कहा, मेरे लिए तो ऑनलाइन सबसे ईजी है। हाँ, आपके लिए तो ऑनलाइन बिल्कुल ईजी है, हाँ ये बात लॉजिकल है, बट मैं अपने कम्फर्ट को नहीं देखता, बच्चों के फ्यूचर में, मैं एक टीचर हूँ, मैं 10 जगह जाता हूँ, दुनिया देखी है कि क्या होता है, तो हम उसको भी ध्यान में रखते हैं, तो हमारा कंसर्न वो भी है। नंबर टू व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, द प्रॉब्लम इज यू आर जस्ट आस्किंग मी लाइक आई एम डिसाइडिंग दिस, एज आई सेड बिफोर, अगर मान लिया कुछ भी करना होता है आई हैव टू कॉल द मीटिंग, राइट, ओके। जितनी बातें होंगी सब वहाँ रखनी पड़ेंगी, डीसी सर बाद में जाता है, पहले हमारे एग्जामिनेशन वर्किंग ग्रुप है, उसमें 8-10 लोग हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, हर चीज़ वहाँ पर डिस्कस होती है, मेजोरिटी से डिसीजन पास होता है, जो डिसीजन पास हुआ उसको लेकर मैं वीसी साहब के पास जाता हूँ कि ये इशू था, ये डिस्कशन हुआ और ये इसका डिसीजन है, देन ही अप्रूव्स इट,
बट स्टूडेंट्स इसमें आपको भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं कि डीन भी कुछ कर सकते हैं. नहीं सी द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, दिस वो तो हर कोई यही सोचता है. उम्मीद है आपसे उनको. नहीं उनसे, उनको मेरे से उम्मीद तो होगी. क्यों? उनको अगर ये समझ में आता है कि पिछले 1.5 साल के अंदर क्या क्या किया है, तो दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. ओके सो आई रिक्वेस्ट देम, ओके अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, इसमें चीज़ों में कुछ नहीं रखा है. एंड एवरीथिंग बी ऑल राइट, वी आर देयर टू सेव गार्ड देयर फ्यूचर. बट बच्चों के ऊपर इस तरह से FIR का धमकी दिलवाना, तो ये तो प्रशासन के द्वारा ऑर्डर मिलते होंगे ना, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? ये तो ये छात्र देश का भविष्य है, इनके साथ इस तरह से बर्ताव करना, उनको डिटेन कर लेना उनके विरोध पर, ये कितना उचित है सर? ये तो अनुचित लगता है ना. सी इस नो दिस इज नॉट योर पार्ट. सी मेरे यहाँ कोई भी बच्चा आता है, कोई भी मिल सकता है, कोई भी बात कर सकता है. ओके एंड जहाँ तक ये मॉब की बात है, एजुकेशन की बात है, ये DSW स्टूडेंट्स कह रहे हैं डीन बहुत गुस्से में है. कौन? स्टूडेंट्स का कहना है डीन बहुत गुस्से में है. मैं पता नहीं उन्होंने मेरे को देखा कहाँ गुस्से में है. अगर वो ये कह रहे कि मैं उनको मिला नहीं, मैं तो 3 बार इनके गेट नंबर 4 में गया हूँ. गए हैं लेकिन आई टॉक टू देम. द प्रॉब्लम इज हमारा एक किसी का भी एक्चुअली नहीं हुआ दिस वे और द हाईवे, माई वे और द हाईवे वाला. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. हम पढ़े लिखे लोग हैं. जब मैं कह रहा हूँ ये ऐसे डिसीजन होता है, तो यू कैन नॉट पुट अ ब्लेम ऑन वन पर्सन कि वो ऐसा. मेरे गुस्से में क्या मतलब है? मेरे गुस्से में क्या मतलब? अगर मान लिया कल को यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, कुछ और डिसाइड करती है, आई हैव टू फॉलो दैट. बट एज ऑफ टूडे अब हमारा क्वेश्चन, मतलब आप लोग समझ नहीं रहे, क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं राइट. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग हुई अभी. 80 कॉलेजेस के प्रिंसिपल, 80 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की मीटिंग की अभी 2 दिन पहले. वहाँ भी ये चीज़ डिस्कस हुई, पहले तो कमेटी में, वहाँ भी डिस्कस हुआ है. तो एवरीबडी सेट कि नो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए और ऐसे ही करना पड़ेगा. सर अगर ये OBE का आंदोलन इस कगार तक पहुँचा कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना ही पड़ेगा, फिर आप क्या करेंगे? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है, उसका कोई आंसर नहीं मेरे पास. तो सर कोई अंतिम फैसला नहीं है क्या इसको लेकर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं है? मेरे तरफ से एज ऑफ टुडे हम ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन की तैयारी चल रही है हमारी. ओके चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू.